स्मिथ किज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। की कटिंग मशीन्स को लेके हम वीडियो बनाते रहे हैं, तो एक और नई मशीन के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सॉर्स की डॉल्फिन XP007 के बारे में। तो वाले भाई ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी ऑटोमेटिक मशीन ही समझ लेते हैं मशीन को, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, कॉपी मशीन है, मैनुअल मशीन है। अब इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस रेंज में, जो प्राइस रेंज इसका है वो मैं वीडियो की आखिर में बताऊँगा, या प्राइस जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये जो हमारी पिछली वीडियो में हमने क्वीन मशीन के बारे में बात करी थी 4-in-1 की, तो सेम एज इट इज़ एक्सॉर्स में भी, जो कि बहुत बढ़िया मशीन है, आप सभी जानते हैं एक्सॉर्स के बारे में, तो उन्होंने 4-in-1 मशीन निकाली है। तो और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है इसका वो है ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें आपको बैटरी प्लस 4-in-1, और क्वालिटी वाइज में तो कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वालिटी आप सबको पता है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। इसके सपोर्टिंग में आपको ये बैटरी के लिए अडॉप्टर मिल जाता है, वायरिंग कटर्स वगैरह जो कि एक्सॉर्स की मशीन के साथ आते ही हैं। और तो आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे इसी डॉल्फिन XP007 के फीचर्स के बारे में और इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो अब्दुल्ला जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो एक एक छोटी छोटी जो बारीकियाँ और इसके जो प्लस पॉइंट हैं, और काफ़ी कम रेंज में और काफ़ी अच्छी मशीन मिल जाती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिथ कीज। आज हम काम करने वाले हैं डॉल्फिन XP007, जो एक्सॉर्स की मशीन है और ऑल इन वन मशीन है। और इसमें जो है आप डिम्पल कटिंग कर सकते हो, लेज़र कटिंग और वी प्रोफाइल जितने भी होते हैं वो सारे आप कट कर सकते हो। नॉर्मली ये 3 प्रोफाइल आते हैं, ये आप सारे प्रोफाइल इस मशीन से कट कर सकते हो। सबसे पहले तो हम इसको मशीन को कनेक्ट करेंगे। अभी चार्ज कम है इसमें, मशीन से पावर से कनेक्ट करके इसको चार्ज भी करेंगे और साथ के साथ हम इस पे काम भी करेंगे। ये चार्जिंग इंडिकेटर आ गया आपका, ये साइड में हैंडल की जगह है, पहले इसमें स्क्रू लगा होगा, ये आपको प्लग करना है इसमें से। ये निकालने के बाद मशीन का जो हैंडल है वो आपको इसमें इंस्टॉल करना है। ये हैंडल फिट करने के बाद हमें कटर लगाना है इसमें, और कटर की हाइट लेवल एडजस्टमेंट करना पड़ता है पहले हमें। तो सबसे पहले तो हमें इसमें फिट करना है कटर, कटर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ट्रेसर। और ऐसा क्लेम को टच करवाना है। देखिए दोनों क्लैंप पे कटर और ट्रेसर टच हो रहे हैं, और जितनी हाइट हमें रखनी है उतनी रख के इसमें। देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नीडल लेवलिंग का इंडिकेटर दिया है, राइट और लेफ्ट देखो, अगर ग्रीन लाइट जल रही है इसमें तो ये ओके है। गलत करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ऊपर नीचे किसी को करना है, ये देखिए, अगर कोई भी ऊपर नीचे होगी तो उसकी लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ से अभी राइट साइड वाली ऊपर है तो ये लाइट बंद हो गई, इसको नीचे करके अगर हम लेफ्ट वाली ऊपर रखते हैं हल्की सी भी तो ये लेफ्ट वाली लाइट बंद हो जाएगी। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेसर और कटर सही लगा है कि नहीं। अब हम इसे सही लगा के फिट करेंगे। ये देखिए दोनों राइट और लेफ्ट की लाइट जल रही है, ये ट्रेसर की लाइट है और ये कटर की, ये ग्रीन हो रही है तो इसका मतलब दोनों लेवल है। अब हम इस पे चाबी फिट करके देखेंगे कौन सी कहाँ पे लगती है। सबसे पहले तो ये डिम्पल वाली हम ट्राई करेंगे कहाँ लगती है। इसमें देखिए दो साइड दी हुई है आपको,
एक तो राइट साइड में ये जगह दी हुई है और सेम ही क्लैंप पे लेफ्ट में भी दी गई है, तो दोनों साइड क्लैंप सेम है। सबसे पहले जो हमें अल्ट्रा वाली चाबी है वो इस साइड लगानी है। ये अल्ट्रा और लेज़र लेज़र कटिंग के लिए ये क्लैंप दिया हुआ है राइट साइड में। इसी तरह ये हुंडई की चाबी है, ये भी फिट कर सकते हो आप, इजीली फिट हो जाती है ये। और इसी तरह वी कटिंग की भी आपको चाबी काटनी है तो उसके लिए अलग से सेम क्लैंप पे जगह दी है आपको। चलो टाइट करके इस साइड वी कटिंग की फिट होगी चाबी, और इस साइड लेज़र कटिंग और अल्ट्रा कटिंग के लिए डिम्पल वी। वी कटिंग में भी अगर हम चाबी फिट करते हैं जब, तो दो प्रोफाइल आते हैं, एक पे तो चाबी में शोल्डर होता है और एक चाबी बिल्कुल सीधी होती है प्लेन। तो उसको फिट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर कोई चाबी हमारे पास बिल्कुल प्लेन है तो हम उसको टिप से सेट करेंगे क्लैंप के अंदर। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये पिन लगानी है हमें क्लैंप के ऊपर सबसे आगे टॉप पर, फिर इसको चाबी को इस पिन तक ले जाना है और टाइट कर देना वहीं पर चाबी को। वहीं अगर शोल्डर वाली की हुई आपके पास, देखिए जैसे ये चाबी हमारे पास इसमें शोल्डर है, एक्टिवा की ये चाबी है, इसमें यहाँ शोल्डर है। सबसे पहले यहाँ हम पिन लगाएंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट में, इसको हल्का सा आगे करके शोल्डर पे रख के इसको टाइट कर देंगे। तो ये चाबी हमारी फिट हो गई है शोल्डर से। अगर शोल्डर से फिट करना है तो ये पिन हमको यूज़ करनी है, और अगर चाबी हमारी बिना विदाउट शोल्डर है तो ये पिन सामने होगी हमारी टिप पे, चाबी की जो टिप है वहाँ पे रखनी है। ये चाबी फिट करने का तरीका है इस मशीन में। वहीं आप मशीन के टॉप पर आइए, इधर देखिए, अगर बीच में रहता है तो आप इस पर हाइट लेवल एडजस्टमेंट कर सकते हो, कटर ट्रेसर चेंज कर सकते हो। जैसे ही हम इसको डाउन करते हैं तो हम अल्ट्रा की डिम्पल वाली इस तरह की डिम्पल कटिंग, अगर हम इसको अप करते हैं बिल्कुल ऊपर, अब आप इस पर वी कटिंग काट सकते हो, इस तरह की वी कटिंग आप काट सकते हो। ये छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखने के लिए है। अब आज ये स्पीड मोड पे, साइड में इसके स्पीड मोड दिया हुआ है आपको, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। सबसे पहले मशीन ये ऑफ है हमारी, फिर ऑन करना है, फिर स्पीड मोड 1 आता है हमारा, ये स्पीड मोड 1 है जो है वो अपना 8000 RPM पे चलता है, और हमें स्पीड मोड 2 भी दिया है, इसके है स्पीड बढ़ जाती है। ये है आपके 10000 RPM पे, वो आपके वर्क पे काम करता है, आपको किस स्पीड में आपको काम करना है। इसी तरह हम ऑफ कर सकते हैं मशीन को, हम पावर से अनप्लग कर सकते हैं, बैटरी हमारी चार्ज है। तो कुछ ही मिनटों में हमारी बैटरी भी चार्ज हो गई है, आप अब मशीन को कहीं भी ले जाके काम कर सकते हो। ये कुछ बेसिक फीचर थे इस मशीन के, और कस्टमरों की डिमांड थी। कस्टमर कहते थे कि वी कटिंग जो है आपकी साइड कटिंग वाली, वो तो हम बिना मशीन के भी बना देते हैं चाबियाँ, और बैटरी के लिए हमें अल्ट्रा मशीन के लिए उन्हें चाहिए होता, क्योंकि कोई फुटपाथ पे बैठता है और किसी की शॉप में लाइट नहीं होती, गांव में होती है, और कोई जो रोड साइड में भी बैठता है, तो उनकी नीड थी कि अल्ट्रा मशीन में बैटरी के साथ हमें अवेलेबल कराई जाए। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट मशीन रहेगी ये डॉल्फिन XP007।
विद बैटरी मैनुअल मशीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।